तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में कि किस तरीके से जो है इंजन से जो पावर जनरेट हो रही है वो पावर किस तरीके से टायरों तक पहुँचती है। तो इस पूरी प्रतिक्रिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले तो इंजन आता है हमारे पास, सबसे पहला जो कंपोनेंट है जो कि पावर जनरेट करता है। अब जो इंजन पावर जनरेट कर रहा है उसे टायर तक पहुंचाने का जिम्मा जो है वो पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम का है। ये पूरा जो अरेंजमेंट है अलग अलग मैकेनिकल डिवाइसेस का, ये पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले जो पार्ट आता है, क्योंकि इंजन ने तो पावर जनरेट करनी थी तो उसने पावर जनरेट कर ली और फ्लाई व्हील में जो है चक्कर बनने लग गए। अब फ्लाई व्हील घूम रहा है अच्छे से, तो फ्लाई व्हील से आगे किस तरीके से जो है ट्रांसफ़र किया जाता है जो इंजन के चक्कर हैं, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो डिवाइस लगा हुआ है, जो मैकेनिकल अरेंजमेंट लगा हुआ है, वो क्लच असेंबली है। क्लच असेंबली में तीन चीज़ें आती हैं मेनली। एक आती है क्लच प्लेट सबसे पहले, फिर आती है प्रेशर प्लेट, और फिर एक थ्रस्ट बेयरिंग लगा रहता है। तो क्लच प्लेट तो फ्लाई व्हील के साथ चिपक जाती है, जितने आरपीएम फ्लाई व्हील बना रहा है उतने क्लच प्लेट को मिलने लगते हैं। चिपकने का जो सिस्टम है वो प्रेशर प्लेट जो है प्रेशर प्लेट की मदद से वो फ्लाई व्हील पे अच्छे से कस के चिपकती है। बाकी प्रेशर प्लेट कब, क्योंकि जैसे ही हम क्लच पैडल दबाते हैं तो क्लच प्लेट जो है फ्लाई व्हील से दूर हट जाती है, और जैसे ही हम छोड़ते हैं वो क्लच प्लेट जो है फ्लाई व्हील से चिपक जाती है। तो प्रेशर प्लेट पे वो कमांड जाता है कि कब उसको चिपकवाना है और कब छोड़ना है। किसकी मदद से? बेयरिंग की मदद से। तो ये तीनों चीज़ें जो है मिलके जो असेंबली है वो क्लच असेंबली पूरी जनरेट होती है। तो क्लच असेंबली के बाद जो है जो मेन हमारे पास अरेंजमेंट है वो गियर बॉक्स का है, क्योंकि क्लच असेंबली की मदद से तो इंजन के जितने आरपीएम हैं वो सारे के सारे ट्रांसफ़र होते हैं आगे गियर बॉक्स में। लेकिन गियर बॉक्स जो है इंजन की पावर को मैग्नीफाई या डी मैग्नीफाई करने का काम करता है। कहने का मतलब, जब गाड़ी स्टार्ट है और खड़ी है तो उस समय हमें ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है, ज़्यादा आरपीएम की नहीं, ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है। तो टॉर्क जो है वो हमें सबसे बड़ा गियर देता है, तो पहला गियर सबसे बड़ा बनाया जाता है। लेकिन पहले गियर पे आप फुल स्पीड में नहीं चला सकते गाड़ी, उसमें आपको ताकत ज़्यादा मिलेगी, दौड़ कम मिलेगी। लेकिन आजकल जैसे छठे गियर की भी गाड़ी आ रही है, ट्रक्स में आप जाओगे तो बहुत सारे गियर्स हैं उसमें, क्योंकि अलग अलग लोड पे उसमें बहुत वैरायटी चाहिए लोड्स के लिए, क्योंकि लोड उसमें कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। तो छठे गियर में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको दौड़ मिलेगी, लेकिन आप छठे गियर में गाड़ी को उठा नहीं सकते, बहुत मुश्किल से, बिल्कुल नामुमकिन है एकदम छठे गियर पे तो गाड़ी को उठाना, क्योंकि उसमें टॉर्क सबसे कम होता है, लेकिन उसमें दौड़ सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सारा जो काम है पावर को मैग्नीफाई डी मैग्नीफाई करने का, वो गेयर बॉक्स करता है। गेयर बॉक्स से आगे जो है हमारे पास ये शाफ्ट है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है। ये आपको किस गाड़ी में मिलेगी? उसमें मिलेगी जहाँ पे इंजन से जो है पीछे वाले टायरों में पावर जा रही है। यदि आगे वाले टायरों में ही पावर जानी है तो उसमें ट्रांस एक्सल लगा होगा, लेकिन अगर पीछे वाले में जानी है तो आपको ये इस तरीके की प्रोपेलर शाफ्ट मिलेगी। प्रोपेलर शाफ्ट काफ़ी मज़बूत होती है और ट्रक्स में आपको खड़े खड़े ही दिख जाएगी, प्रोपेलर शाफ्ट बड़ी लंबी होती है। नहीं तो लोडिंग की जितनी गाड़ियाँ हैं, मारुति वैन और मारुति 800 में, 800 में क्या अंतर है? कोई खास अंतर नहीं है, केवल सस्पेंशन का अंतर है। उसमें लीफ स्प्रिंग है, कमानियाँ हैं, क्या कहते हैं अपनी वैन में, क्योंकि वो लोडिंग है, और उसमें पीछे की तरफ जो है आपको ड्राइव मिलेगी, क्योंकि लोडिंग वाले सब में पीछे वाले टायरों को जो है ड्राइव मिलती है। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंशियल। जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो डिफरेंशियल से जाके मिल जाती है, और डिफरेंशियल क्या काम करता है इसके लिए आप हमारी डिफरेंशियल की वीडियो देखें, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि डिफरेंशियल किस तरीके से काम करता है और उसका क्या काम होता है। तो बेसिकली डिफरेंशियल, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, दोनों एक्सल से जुड़ा रहता है और एक्सल से ये दोनों टायर जुड़े रहते हैं जिनको ड्राइव मिलती है। तो अब हम देखेंगे कि इंजन के एक आरपीएम पे टायर के कितने आरपीएम हमको मिलते हैं अलग अलग गियर्स पे। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है फाइनल ड्राइव रेशियो।
या एक्सेल रेशियो भी उसे हम कहते हैं। अब फाइनल ड्राइव रेशियो या एक्सेल रेशियो है क्या? ये जो आप शाफ्ट देख रहे हो, ये वाली जो शाफ्ट है, ये यहाँ पे अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो पॉइंट है, ये शाफ्ट आपको दिख रही है, ये शाफ्ट को मैग्नीफाई करके उसमें दिखाया गया है जो डिफरेंशियल से जुड़ रही है। तो हम चलते हैं इसी में, तो ये यहाँ पे वही शाफ्ट है और डिफरेंशियल के अंदर ये बेवल गियर्स हैं, ये गियर और ये गियर, इन दोनों का जोड़ा ये जो है ये बेवल गियर्स हैं। तो ये आपस में एक दूसरे से मैश हैं। जब ये गियर, इसे पिनियन कहते हैं और इसे रिंग गियर कहते हैं, तो ये गियर जब घूमता है तो इसको चक्कर देता है और इसके जितने चक्कर होंगे उतने ही चक्कर टायरों के होंगे। तो अभी हम फर्ज करते हैं गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है इस कंडीशन में, तो जितने रिंग गियर के चक्कर हैं उतने ही चक्कर टायरों के। तो अब फाइनल ड्राइव रेशियो क्या है? इस चीज़ को समझने के लिए आपको गियर रेशियो पता होना चाहिए। गियर रेशियो की आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, मैंने पहले भी बताया आपको, नहीं समझ में आएगा बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। गियर रेशियो जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ टीथ ऑन द आउटपुट गियर, जैसे कि अगर ये गियर में ड्राइव आ रही है इंजन की और ये वाला गियर इस गियर को घुमा रहा है, तो ये गियर जो है वो आउटपुट गियर हो गया और ये वाला गियर जो है वो इनपुट गियर हो गया। तो इस गियर पे जितने टीथ्स हैं अपॉन में जो इनपुट गियर पे टीथ्स हैं, उन दोनों का जो रेशियो है वो हो गया हमारे पास गियर रेशियो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं गियर रेशियो। अब इन दोनों का जो गियर रेशियो है, इस वाले गियर का, पिनियन का और रिंग गियर का, वो हो जाता है फाइनल ड्राइव रेशियो। तो सपोज कर लेते हैं इसके नंबर ऑफ टीथ हैं 40 और पिनियन के जो टीथ हैं वो हैं 10, तो यहाँ पे हमारे पास गियर रेशियो क्या आ गया? 4:1। इसे हम फाइनल ड्राइव रेशियो भी कहेंगे। तो अब हमें पता लगाना है कि कितने आरपीएम हमें इंजन के एक राउंड पे मिल रहे हैं या टायर हमारा कितना चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें घुसना पड़ेगा गियर बॉक्स में। तो यहाँ पे हम समझेंगे, ये वाली जो शाफ्ट है ये इंजन से आ रही है और ये वाली शाफ्ट जो है ये प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ रही है और वो पिनियन पे जाके मिल जाती है। तो जब हमारा फोर्थ गियर हम लगाते हैं, जैसे 6 गियर की गाड़ी है, तो फोर्थ गियर में क्या होता है, इंजन से आने वाला आरपीएम जो है यहाँ से मेन शाफ्ट से बाहर जाने वाला आरपीएम के बराबर होता है, यानी जो गियर रेशियो है वो 1:1 होता है। तो अगर एक चक्कर इंजन काट रहा है तो एक ही चक्कर जो है गियर बॉक्स से बाहर की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इंजन का एक चक्कर यानी इसका भी एक चक्कर। अब अगर इसका एक चक्कर है तो इसके आरपीएम हमें पता है, इसके आरपीएम क्या है, 1। आरपीएम को हम एन से डिनोट करेंगे तो आरपीएम इसका हो गया 1। तो गियर रेशियो हमें इन दोनों का पता है, फाइनल ड्राइव रेशियो क्या है, 4:1। और जो फाइनल ड्राइव रेशियो होता है वो बराबर होता है जो इनपुट गियर है उसके आरपीएम अपॉन में आउटपुट गियर के आरपीएम। तो इस ये गियर हमारा आउटपुट है तो इसके आरपीएम कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आउटपुट गियर के आरपीएम हो जाएंगे 1:4, यानी इंजन के एक चक्कर पे टायर जो है एक चौथाई चक्कर बढ़ेगा। ये तब है जब फोर्थ गियर लगा हुआ है, तो केवल एक चौथाई चक्कर कट रहा है। अब हम फर्ज करते हैं सिक्स्थ गियर के बारे में। सिक्स्थ गियर यहाँ पे है नहीं बट हम बना लेते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गियर रेशियो भी समझाऊंगा। तो अभी हम मान लेते हैं इस गियर का, जो कि इनपुट गियर है, इस पे 10 दांत हैं और इसके जो हैं दांत आपको मिल रहे हैं 20। इस वाले गियर के दांत हैं 40 और जो सबसे छोटा गियर है सिक्स्थ गियर, इसके हैं 5। तो इस तरीके का जो गियर्स का अरेंजमेंट होता है, इसे कंपाउंड गियर कहते हैं, इसका जो गियर रेशियो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है इनका गियर रेशियो मल्टीप्लाई बाय इनका गियर रेशियो, इन दोनों गियर्स का। तो यहाँ पे गियर रेशियो अगर हम देखें तो इनका जो गियर रेशियो है यहाँ वालों का, इन गियर्स का, तो 2:1 है, 2:1, क्योंकि 20/10। और अगर इन गियर्स का हम देखें सिक्स गियर का, तो 40 दांत इसमें और 5 दांत इसमें हैं, तो आउटपुट वाला गियर अपॉन में इनपुट वाला गियर यानी 5:40। तो 2:1 × 5:40 से हम लिख लेते हैं अच्छे से, 2:1 × 5:40,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। तो यहाँ पे सिक्स्थ गियर अगर लग रहा है तो 1/4, 1:4, यानी अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25:1 गियर रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर एक चक्कर इंजन बना रहा है तो चार चक्कर जो हमारा ये सिक्स्थ गियर अगर लगा हुआ है यहाँ पे, तो चार चक्कर उसको वो पैदा कर रहा है। तो इनपुट में तो एक चक्कर आया, लेकिन आउटपुट में जो है वो ओवरड्राइव हो रहा है, वो चार क्या कहते हैं चक्कर बना के दे रहा है आगे। तो ये देखिए ये कितना फायदा है कि इंजन के तो चक्कर कम है और बाहर जो क्या कहते हैं चक्कर जा रहे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं, चार गुना ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये जो है इसीलिए सिक्स्थ गियर पर गाड़ी इतनी तेज़ भागती है। अब हम देखेंगे जब सिक्स्थ गियर लगता है तो हमारा जो है क्या कहते हैं, अगर सिक्स्थ गियर पे इतने ही दांत हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है, तो इसको आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो खैर हालांकि ये जो एग्ज़ाम्पल में मैं आपको वैल्यूज़ बता रहा हूँ ये लगभग इतना ही होता है। फाइनल ड्राइव रेशियो जो है वो 3 से लेके 4.5:1 तक वेरी करता है, और सिक्स्थ गियर में भी लगभग इतना ही 0.56:1 ऐसे ही आपको सिक्स्थ गियर का गियर रेशियो मिलेगा। तो खैर यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं अपने एग्जांपल से, तो एक चक्कर अगर इंजन का है तो चार चक्कर जो है बाहर वो दे रहा है। इससे क्या बेनिफिट क्या होगा कि जब इसके आरपीएम हो गए चार और यहाँ पे फाइनल ड्राइव रेशियो आपको पता ही है क्या था, यहाँ पे था 4/1। तो इनपुट के जो आरपीएम है अपॉन में आउटपुट के आरपीएम, तो हमें तो आउटपुट के आरपीएम चाहिए। इनपुट का आरपीएम हमें पता है क्या है, इनपुट के आरपीएम है चार, यहाँ से ये वैल्यू हमको पता है। तो आउटपुट के आरपीएम कितना हो जाएगा, आउटपुट का आरपीएम हो जाएगा एक अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इन इसका मतलब क्या है कि जब इनपुट पे आपको चार आरपीएम मिल रहे हैं, यानी इंजन की तरफ से आप अगर आप इंजन जो है वो चार चक्कर अगर काट रहा है, तो तब जाके जो है आउटपुट का जो आरपीएम है वो एक है। तो इंजन के चार चक्कर पे एक बार टायर घूमा, तो इस तरीके से फाइनल ड्राइव रेशियो की मदद से आप पता कर सकते हैं कि इंजन के कितने आरपीएम पे अलग अलग गियर्स पे कितने टायर के कितने आरपीएम होंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जितनी आसानी से मैं समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश करी। यदि आपको समझ में ना आए तो फिर भी आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।